लग रहा था बहुत ही खतरनाक टाइफून आया है अभी कोरिया में, और यही टाइम है, और मेरी क्लास भी बस इसी टाइम ही थी, रखनी थी, टीचर ने कैंसिल नहीं की क्लास, वो क्लास तो अटेंड करके आई हूँ, लेकिन अभी बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, और आप दुआएं कीजिएगा, अल्लाह रहम करे कोरिया पे। अभी जो एक आइलैंड था जेजू आइलैंड, उधर बहुत ही खतरनाक टाइफून आ गया है, और अभी सऊल की बारी है, तो अभी आया है और उड़ ना जाऊँ मैं हवा नहीं उड़ूंगी। और ये देखिए पूरा पेड़ कैसे हिल रहा है खतरनाक तरीके से इस मौसम में बाहर निकलना, लेकिन मैं वैसे ही निकल ही आई। ओ वे, बारिश 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 हो गई बारिश ये बहुत बहुत खतरनाक बारिश और तूफान हो गया था, और इसी तूफानों में ना छतरी भी उड़ जाती है, तो इसलिए हम लोग ना अभी इधर आए हैं, सीयू के अंदर आए हैं जो कन्वीनियंट स्टोर है, और अभी भी क्लास ख़त्म हुई है तो भूख भी लगी है, तो सोच रही हूँ कुछ खाएं। ये श्रिम्स नूडल्स ये वाले सोच रही हूँ खा लूँ, फिर तो घर जाके खाना खाऊँगी। और क्या खाएँ इसके साथ, नूडल्स के साथ क्या अच्छा लगता है, जूस वगैरह तो अच्छा नहीं लगेगा, कॉफ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। चलो फिलहाल नूडल्स ही खाते हैं, इसके अंदर सूप भी होता है। चीज नूडल्स है सबसे पहले, इसके पूरे जो भी मसाले मसाले शशाले जो भी हैं वो अंदर डाल देंगे। इट्स सो चीज़ी, कलर देखें मसाले का। और ये जो है इसके अंदर ये श्रिम्स हैं, गोलड़ियाँ जो है वो श्रिम्स की है, और ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी। और इसके भी मसाले जो हैं ये कलर से ही पता चलता है थोड़ा स्पाइसी होगा। अल्लाह सही, ये तो बड़ा तूफान है यार, ये तो तेज तूफान। ये ना कोरिया में एक दफ़ा पेरी भी इतना तूफान थे हो, लेकिन लास्ट टाइम तो अब मैं यूट्यूब नहीं करती थी ना तो आज अभी मुझे मौका मिला है कि ये मोमेंट भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं कि इतना ख़तरनाक तूफान यार, जो मतलब साफ़ सुथरा कंट्री है वो सजी हो ना किचरे में भर जी हो, किचरा तो क्यों होता है मन प्यार रस्ते पे। गरम पानी डालना है, इधर मार्क दिया हुआ होता है, उस मार्क तक गरम पानी डालें नूडल्स से थोड़ा सा ऊपर, और फिर इसको ना ऐसे करके बंद हो गया। और इसमें भी डालते हैं चीज़ नूडल्स में गरम पानी, इसको कितने कप रामियन। मेरी एक कज़न है जुनोबिया, और जुनोबिया जो है ना उसको कोरिया बहुत ही पसंद है, तो अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना उसके लिए मैं ये कप रामियन लेके जाऊंगी। ओके यार, ये देखो ना टाइफून के डर में मच्छर भी अंदर आ गया, ताकि बेचारा उड़ ना जाए किसी और कंट्री में
किसी और कंट्री में ना चला जाए, इसलिए वो सीयू के अंदर आ गया। नहीं मैं कोरियन मच्छर, वही चल भी रहा है, वाह वाह वॉकिंग वॉकिंग, कोरिया ही रहना है ना इसको, कोरियन मच्छर है इसलिए उड़ गया। रेडी टू गो, ये इट लुक्स डिलीशियस। मिक्सिंग करें राइट हैंड से, यार वैसे तो मैं नहीं पकड़ सकती चॉपस्टिक्स, फिर भी पकड़ सकती हूँ ये देखो, और अभी इसको रुको, ये देखो अंदर सूप है और ये कोरियन फिश केक, ये श्रिम्स, ये ड्राई श्रिम्प अभी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, और ये ऐसे बस नूडल्स रेडी। अभी कैसे खाऊं यार गर्म है, और ये चीज़ नूडल्स, चीज़ नूडल्स की कंडीशन देखें क्या है। चीज़ नूडल्स की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, ये चीज़ नूडल्स रेडी, और देखें कलर में पता ही चल रहा है कि इट्स नॉट स्पाइसी, इट्स वेरी चीज़ी चीज़ी। तो अभी घर जाके कौन कुकिंग करे, बहुत ही लेट हो गया है और लंच टाइम भी हो गया है, तो इससे अच्छा है यहाँ से ही मतलब कुछ ना कुछ खरीद के खा लूँ फिर घर जाके काम करूँ, क्योंकि कुकिंग करना बोरिंग हो जाता है कभी कभी, खुद ही पकाओ खुद ही खाओ। तो अभी मैंने ये लिया है, ये है कॉर्न चीज खरांथंग, कॉर्न चीज़ कॉर्न से, और देखो देखो निकलता ही नहीं, अभी एक हाथ में एनर्जी नहीं है ना, अभी ये निकल गया। इसके अंदर कॉर्न है मायोनीज वगैरह कुछ के साथ, और इसके अंदर है चीज़, आई एम सो एक्साइटेड। और ये जो स्टोर है ये कोरिया के मतलब हर थोड़ी थोड़ी गली के बाद आते हैं ऐसे स्टोर्स, और 24 आवर्स खुले रहते हैं, तो रात को भी मतलब कभी आपको भूख लगे या क्या तो आप यहाँ के आराम से खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये कोरिया की। और उसके अलावा भूल गई क्या कहना चाह रही, पता नहीं कोई इम्पोर्टेंट बात थी, भूल गई। तो अभी मायोनीज वाला जो कॉर्न्स है वो डाल दिए हैं, और अभी इसमें चीज़ डालेंगे। किस किस को चीज़ पसंद है, मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन चीज़ खाते खाते वेट भी गेन हो जाता है बहुत जल्दी। चीज़ को अभी हम इस जो है बॉल है ये क्या कहते हैं इसको, इसको गर्म करेंगे और चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो अभी ये चीज़ जो है ये देखें, इट लुक्स डिलीशियस, इसको मिक्स करना है। ये मैंने लास्ट टाइम भी किसी वीडियो में दिखाया था, कौन सी वीडियो थी याद नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है, और एक पर्सन अगर ये खाए पूरा इसमें पेट भर जाता है, क्योंकि इसमें कॉर्न है और इसमें है चीज़। अभी अजीब लग रहा है यार पीछे देख के मेरा वीडियो देख। अभी अभी एक आदमी आया था, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में वो कौन था, वो मुझे क्योंकि हमारे पास कैमरा है ना तो हम वीडियो निकाल रहे हैं, तो वो पूछा कि हम क्या यूट्यूब चलाते हैं, तो मैंने कहा जी हाँ, तो फिर ना उसने मेरा आके नाम पूछा और सब्सक्राइब किया मुझे आप लोगों की तरह, और अभी वो मेरे वीडियोस देख रहा है मेरे सामने ही बैठ के, और मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है कि क्योंकि वो समझेगा नहीं, मैंने ज़्यादातर आजकल वीडियोस उर्दू में बनाती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं उर्दू में बनाओ, तो अभी अजीब लग रहा है, पीछे है वो। तो जिसने अभी यूट्यूब का मैंने बताया था कोरियन आया था पूछने, तो वो अभी मेरी जो आइस फिशिंग वाली वीडियो बनाई थी ना, शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे, तो इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं था, तो वो वीडियो बहुत ही अच्छी है आप लोग देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन में डालूँगी आप जाके देखिएगा। कोरिया में पूरा बर्फ़ के ऊपर खड़ा होके और मछलियाँ पकड़ते हैं, और बहुत ही आइस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और पीछे जो कोरियन है वो भी वही वीडियो देख रहा है, आप लोग भी देखिएगा ठीक है। पूरा दूर से इधर उधर, यहाँ हवा देखो उड़ ना जाऊँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे कोरिया में एक मैंने आपको दिखाया वेदर, एक किस्म का वेदर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इन्जॉय किया करें, कमेंट्स किया करें। और पीछे से गाड़ी आ रही है, लगता है या तो मुझे तूफान उड़ा के ले जाएगा या गाड़ी ठोक के जाएगी मुझे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, डोंट फॉरगेट।